सबसे पहला अपडेट आपको जीटी किट का जो है वो देखने को मिल जाएगा। जीटी किट जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। रियर में अपना रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपनी हेडलाइट के अंदर जो एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। इसके अंदर हाई बीम और लो बीम दोनों ही अलग अलग आते हैं। एक सेक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपना लो बीम का रहेगा और एक सेक्शन अपना हाई बीम का जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर SIPL प्रो वाले अपने जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रो सीरीज में रहेंगे। प्रॉपर एज टू एज फिटिंग आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाती है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपने स्टीयरिंग रैप जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल ब्लैक रहेगा। जो फुल बकेट अपने सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर चेक करोगे फुल ब्लैक कलर की सीट कवर है। कंप्लीट एक बर्ड व्यू जो है वो देखने को मिल जाने वाला है, किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं। राइट साइड में टैप करूंगा राइट साइड का व्यू है, लेफ्ट साइड में टैप करूंगा लेफ्ट साइड का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जिन चीजों की रिक्वायरमेंट करी वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। हाँ, लगभग सब यहाँ पर मिल गई, सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिल गई है। बात की जाए अगर फिट फिनिश की, गाड़ी का काम वगैरह आपको कैसा लगा? गाड़ी का काम बढ़िया अच्छा। वेलकम बैक वंस अगेन, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। और दोस्तों अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है पंच का क्रिएटिव वाला वेरिएंट, जो कि अपना टॉप मॉडल होता है। और इस वाली गाड़ी के अंदर भी हमने काफी कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो कर दिया है। करीब करीब 60,000 रुपीज का बजट जो है वो रहने वाला है। आप सोचोगे कि टॉप मॉडल गाड़ी के अंदर 60,000 रुपए के बजट में क्या कुछ काम कर दिया है, तो आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। सामने आप जीटी किट जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैटिंग वगैरह जो है वो बिछी हुई है, क्योंकि इस वाली कार के अंदर 360 कैमरा नहीं आता है, तो उसका जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। अभी अंदर की तरफ कैलिब्रेशन वगैरह काम जो है वो चल रहा है। एक बार गाड़ी का काम जो है कैलिब्रेशन कंप्लीट होती है फिर आपको डिटेल में बताते हैं। A few moments later. दोस्तों कैलिब्रेशन का काम भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस टॉप मॉडल के अंदर क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा टॉप मॉडल है या नहीं, तो आप यहां से चेक कर सकते हो। इसमें हेडलाइट आप यहां पे देखिए तो प्रेडेटर वाली हेडलाइट जो है वो लगी हुई है। एलॉय व्हील्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ आप आते हैं तो यहां पे अपना आपको देखने को मिल जाएगा रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो अपने लगे हुए हैं इस वाली कार के अंदर, क्योंकि टॉप वेरियंट जो है वो रहने वाला है। और अगर आपको अभी यकीन ना आ रहा तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हमने चेंज किया है। इसमें आता है अपना हरमन वाला, इसको रिप्लेस जो है वो कर दिया गया है और अंदर दूसरा सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस टॉप वेरिएंट के अंदर क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे कार के फ्रंट पोर्शन से, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे सबसे पहला अपडेट आपको जीटी किट का जो है वो देखने को मिल जाएगा। जीटी किट जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि एमटेक ओरिजिनल जो है वो अपनी रहने वाली है। यहाँ पे आप प्रॉपर एमटेक की बैजिंग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जीटी की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 11,500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ जो एमटेक की जीटी किट है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। इसमें आपको फ्रंट वाला पार्ट जो है वो मिल जाता है, साइड में क्लैडिंग मिल जाएगी और रियर में डिफ्यूजर जो है वो मिल जाता है। अपनी कंप्लीट जो है चारों तरफ किट आती है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग सेटअप के अंदर एक अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग सेटअप के बारे में बता देते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो अपनी हेडलाइट के अंदर जो एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। इसके अंदर हाई बीम और लो बीम दोनों ही अलग अलग आते हैं। एक सेक्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अपना लो बीम का रहेगा और एक सेक्शन अपना हाई बीम का जो है यहाँ पे लगा हुआ है। हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। बाकी फॉग लाइट जो है इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कंपनी से मिलती है, इसके अंदर कोई अपडेट जो है वो नहीं रहने वाला। डीआरएल लाइट जो है वो आती है, उसके ऊपर एक और डीआरएल लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि डुअल पर्पस में रहने वाली है, जिसको आप इंडिकेटर वगैरह पे जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का लुक जो है वो आपको देती है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इंडिकेटर, जैसे ही मैंने पुट किया यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। और इस तरफ डीआरएल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डीआरएल वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। एक डीआरएल बाय डिफॉल्ट कंपनी की आती है, उसके ऊपर दूसरी डीआरएल जो है वो इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 10 पीस की किट है वो यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें आपको हेडलाइट वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है और टेल लाइट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 पीस की किट जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमराज जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर रहने वाली है। इसके अलावा साइड कैमराज आपको जो है मिरर के ठीक नीचे यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डोर वाइजर पहले के ही इंस्टॉल थे इस वाली गाड़ी के अंदर। हमने साइड में क्लैडिंग वाला पार्ट जो है वो इंस्टॉल किया है, जिसमें आपको प्रॉपर पंच की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑर्कस व्हाइट कलर की गाड़ी थी, ऑर्कस व्हाइट कलर की ही जीटी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार के अंदर किया जा चुका है। बाकी आप यहाँ पर चेक करोगे 6 पीस वाली जो लोअर गार्निश है वो भी लगाई गई है, जो कि 1, 2 और 3 पीस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो साइड प्रोफाइल से यही सब अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं। रियर में चलते हैं और आपको बताते हैं रियर में क्या कुछ रहेगा। रियर में सबसे पहले रियर कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा रियर में डिफ्यूजर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एमटेक ओरिजिनल जो है वो अपना रहने वाला है। सेंटर में आपको एमटेक की प्रॉपर बैजिंग मिल जाने वाली है। यहाँ पर डुअल मफलर डिजाइन जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक जो है वो आपको रियर से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा
रियर में अपना रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसको आप इंडिकेटर पुट करते हैं तो इस तरीके से सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर दोस्तों आपको और भी मोड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से इंडिकेटर पे ये ब्लिंक करना लग जाएगा और अपना ब्रेक के साथ भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो एक्सटीरियर प्रोफाइल से ये सब काम जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर से कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे पंछी प्रॉपर बैजिंग के साथ वेलकम प्लेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। कुछ इस तरीके से पंछी प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग जो है वो भी करी गई है। डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ आपको मिल जाती है। ये कॉस्ट करती है अपनी 2000 रुपीज़ की। उसके ऊपर SIPL प्रो वाले अपने जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रो सीरीज में रहेंगे। प्रॉपर एज टू एज फिटिंग आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाती है। बात करें अगर हम सीट कवर्स की दोस्तों, तो फुल बकेट अपने सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि आप यहां पर चेक करोगे फुल ब्लैक कलर की सीट कवर है, जिसमें अपनी व्हाइट कलर की पाइपिंग जो है वो एड ऑन करी गई है। और साइडों में आपको बटफिट डिजाइन जो है वो सिल्वर इंसर्ट्स के साथ देखने को मिल जाएगा। को ड्राइवर सीट जो है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है, और रियर में किस तरीके का फिट फिनिश आपको रियर सीट में देखने को मिल जाता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपने स्टीयरिंग रैप जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल ब्लैक रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे थ्रेडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेम थ्रेडिंग आपको यहाँ पे जो सीट कवर पे है वही थ्रेडिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर अपडेट है। मैंने अभी आपको दिखाया इस वाली कार के अंदर हरमन का स्टीरियो आता है, जो कि 7 इंच का होता है। हमने यहाँ पे 9 इंच का जो स्टीरियो है वो इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का रिस्पॉन्स ऑफर करता है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे टच करेंगे तो रिस्पॉन्स किस तरीके का आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैनासाउंड ब्रांड का स्टीरियो लगाया गया है, जो कि 360 डिग्री सपोर्टेड रहने वाला है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको कई सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी, जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे अपना मैप आ जाता है, बाकी आप देखोगे नेटफ्लिक्स आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे स्पॉटिफाई है। जेड लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड टू एप्पल का आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। 360 कैमरा लगाया गया है, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो इस वक्त जो है वो आपको ये जो फ्रंट व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स है वो दिखा रहा है। रियर पर टैप करेंगे रियर व्यू कैमरे का रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। कंप्लीट एक बर्ड व्यू जो है वो देखने को मिल जाने वाला है, किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं। राइट साइड में टैप करूंगा राइट साइड का व्यू है, लेफ्ट साइड में टैप करूंगा लेफ्ट साइड का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपके पास चीज़ें और ज़्यादा मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सेंटर में वार्निंग हज़ार्ड लाइट स्विच जो है इसको आप पुट करते हैं, यानी कि दोनों साइडों के इंडिकेटर जो हैं जब जल जाएंगे तो दोनों साइडों का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे मर्ज कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से वाइल्ड ड्राइविंग जैसे कि मैं इसको पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, अब आप यहाँ पे चेक करोगे इंडिकेटर मैं पुट करूंगा, जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का मैंने इंडिकेटर दिया, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते के साथ ही लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो आ चुका है। राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो राइट साइड का इंडिकेटर देते के साथ ही यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड का पोर्शन जो है वो अपना आ चुका है। तो इंडिकेटर के साथ भी ये प्रॉपरली जो है वो आपको सिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टीरियो का जो अपडेट है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। आप इसके अलावा हम इसमें और कुछ अपडेट करना चाहें तो और क्या कुछ कर सकते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो आप चाहो तो इंटीरियर के अंदर काम करवा सकते हो। ये जो पैनल्स वगैरह हैं इसको जो है वो आप रैप करवा सकते हो। इसके अलावा K3 या K4 एम्बिएंट लाइट जो है वो लगवा सकते हो। इस तरीके के और भी ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। खैर इस वाली गाड़ी के अंदर यही सब अपडेट जो है वो किए गए हैं, और इसकी चाबी भी देख सकते हो आप, अपनी स्मार्ट की जो है वो रहने वाली है, जो कि बाय डिफॉल्ट कंपनी से आती है। तो अब मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। मैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। सबसे पहले नाम बताइए। रजनीश कुमार भाई, आपका नाम? कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मुरादनगर। मुरादनगर से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? ये ऑनलाइन देखा था हमने यूट्यूब पर। ठीक है जी, वीडियोस वगैरह देख करके जो है आपका यहाँ पे आना हुआ है। तो आप लेकर के आए थे टॉप वेरियंट, जनरली हमारे पास आपने वीडियो देखी होगी बेस वेरियंट की, तो आपने जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट करी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं? हाँ जी, लगभग सब यहाँ पर मिल गई। सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल गई हैं। बात की जाए अगर फिट फिनिश की, गाड़ी का काम वगैरह आपको कैसा लगा? गाड़ी का काम बढ़िया अच्छा हुआ फर्स्ट क्लास। मतलब एक तरीके से आपने कुछ सोच के आया होगा ना, कि मतलब टाटा वाले ने भी वो फीचर नहीं दिए जो यहाँ पे आके लगवाने हैं, तो इस तरीके से 360 कैमरा वगैरह वो सब यहाँ पे प्रॉपर, मतलब कंपनी ने जो फिटेड नहीं दी थी वो यहाँ पर लग गई है। तो उसमें कुछ कमी आपको फील हुई? नहीं नहीं, सब बढ़िया काम के अंदर सफाई आपको मिली? हाँ, जो चीज़ आज तक आपने वीडियोस के अंदर देखी वैसे ही काम आपको यहाँ पे मिला? हाँ, है जी, बिल्कुल। भाई आप बताइए आपको काम वगैरह कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। कुछ कमी आपको फील हो रही है? मतलब जो सोच करके मुरादनगर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है? पूरी बढ़िया। सारे नंबर देने हो सारे काम को, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9 नंबर। और भाई आपके? 10 में से 10। आपके 10 नंबर। भाई जानते हैं एक नंबर क्यों काट लिया? कोई खास वजह सर? थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया टाइम के लिए।
टाइम के अलावा कोई दिक्कत? मतलब काम बढ़िया है, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम के लिए 10 में 10 है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए थोड़ा टाइम की वजह से एक नंबर, टाइम के लिए एक नंबर जो है अपना कट जाएगा, काम पूरा ठीक है जी, मतलब काम में कमी नहीं, टाइम में कमी जो है वो रहेगी। और मतलब ये तो नहीं है कि काम में जो टाइम आपको यहाँ पे लगा है वो मतलब वेस्ट रहा या फिर इस तरीके से? नहीं नहीं, वो वर्थ रहा अपना, ठीक है सर। काम के लिए आए थे वो काम पूरा होगा। अगर बजट वगैरह की बात करें तो क्या बजट में काम हो गया सर अपना? जो मतलब सोच के आए थे, जो बताया था उसमें हो गया, उसमें अपना काम जो है वो हो चुका है। कल को किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, रिकमेंडेशन मिलने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, और आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद।